इसलिए कहा जाता है कि बहुत जिम्मेदार होकर दीन के लिए कदम उठाएं। ये मेंबर बहुत जिम्मेदारी है, ये खामखा किसी ऐसे को ना दे दें जो आपको इमाम से दूर कर दे। यही किया आज हमने माशरे के अंदर, बगैर देखे सोचे समझे हमने ऐसे लोगों को मेंबरों में बैठा दिया कि जिस नहज पे आज हमारा माशरा पहुंच गया। जो भी याद रखें, जो भी इमाम से दूर करेगा आपको वही दुश्मन है तालीमात अहले बैत का। जाहिर को मत देखें, जाहिर धोखा देने के लिए है। और ये दुश्मन ने यही तो किया, दुश्मन जानता था कि ये वाहिद कौम है कि जो इमाम तक पहुंचने के लिए तड़प रही है। रोक तो सकते नहीं थे, क्यों? क्योंकि आपके दिलों में मोहब्बत है, आपको रोक तो सकते नहीं, लेकिन आपको ताखीर कर दिया उसने, देर कर दी। क्योंकि आप इश्क में सुनने आते हैं इमाम के, आप किसी नाम की वजह से नहीं आते। अब उसने उसी नाम का फायदा उठाया आपके साथ। मैं बहुत जिम्मेदारी से, बहुत हुदूद में रहते हुए गुफ्तगू कर रहा हूं कि किसी की दिलाजारी भी ना हो, क्योंकि जाहिर है हमें असल में दुश्मन को समझना है। और मोमिन कभी भी मोमिन का दुश्मन नहीं हो सकता, याद रखिएगा। कभी भी मोमिन के दिल में मोमिन के लिए नफरत नहीं आएगी, क्यों? एक ही नूर से बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। मोमिनीन कभी जुदा हो ही नहीं सकते। मोमिन तो वो है, हदीस कहती है मोमिन मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। यानी तुम अगर किसी में बुराई देख रहे हो, बुराई उसकी नहीं है, वो तुम्हारी अपनी है। मोमिन का अमीर अमीरुल मोमिनीन है। जिसका अमीर ऐसा हो उसकी लोग आपस में क्या लड़ेंगे, नफरत करेंगे? नहीं, हमें फरेब दिया गया है, हमें फंसाया गया है। वो जानते थे कि इन्हें अली के नाम से मोहब्बत है, ये अली के नाम पर आते हैं, इसी नाम से इन्हें तोड़ो तोड़ो। क्या किया, क्या किया? इमाम से दूर किया है और क्या किया है? बस वो बातें करो जिससे ये खुश हो। कौन सी बातें? वो बातें जो आप बचपन से जानते हैं। कौन सी नई बात बताई आपको आज तक? वही बात जो आप 15 साल से सुन रहे थे, वही आगे की आपने भी बस वाह 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 कर दी। आप अपने घर चले गए, वो पैसे लेके चला गया। माशरे को कहां पहुंचाया, कहां अकले रुस्त की, ब्रेन इस काबिल हुए कि इमाम के जहूर का जमीना फराहम करें? तालीमी मैदान में कहां खड़ा किया हमें? कौन से इंस्टीट्यूशन, कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन सा सिस्टम डिजाइन किया हमने आज तक? कहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स तक या किसी और डेवलपमेंट तक लेकर आया हमें? कितना बड़ी दानिशगाह है ये, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, कहां लेके गए हमें? उल्टा लड़वा दिया आपस में, आपस में भी लड़वा दिया, दूसरे फिरकों के साथ भी लड़वा दिया। किसका कसूर है? कौन सी चीज थी जिसने ये किया? हमें जब कोई कहेंगे जी बाहर से लोग आते हैं, बाहर से कहां से आते हैं? यहीं से आते हैं, हम ही लोगों में से ही लोग बिकते हैं। मैं अपने आप को कसूर और आपको किसी को नहीं कह रहा, खुदा ना खास्ता कि आप बुरा माने इस बात को, लेकिन इस नहज पे पहुंच गए हैं, बहुत मजबूरी हो गई है कि हम देखें कि आने वाला बयान क्या कर रहा है। ये ना कहें कि बस वो मौला का जाकिर है, जो भी कहेगा बस चलो। कैसे चलो अजीजाने मोहतरम? सही तो शहदा अपने जवान अली अकबर को लेकर करबला इसलिए आए थे कि हम लोग सिर्फ जबान की लज्जतों की वजह से सुने चले जाए। वक्त का इमाम 1181 साल हो गए गैबत के पर्दे में मुंतजर है, किसकी वजह से? 14 साल 7वां इमाम जिंदान में रहा, किसकी वजह से? कौन थे जो नहीं उखाड़ पाए उस वक्त के दुश्मनों को? किसका कसूर था? हमारा कसूर है जाने मोहतर, हमारी वजह से देर हो रही है, हमारी वजह से यूसुफ जहरा अपनी तन्हाई में सुबह शाम
सही तो शोधा पे गिरिया करता है, हमारा कसूर है, क्यों किसी और को कसूरवार ठहराए, मैं अपने आप को कसूर है, मेरा कसूर है।